लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ माय टॉप 10 फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट्स। सो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने इस तरह से बास्केट में निकाल के रख लिए हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेरे फेवरेट है, बट मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो में सिर्फ आपको वही प्रोडक्ट्स बताऊँ जिनको कि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मैं उनको रीपर्चेज करती रहती हूँ। इनफैक्ट उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है मेरे स्किन पे। सो यस, वही सारे प्रोडक्ट्स है। किसी भी तरह का स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को स्पॉन्सर कर रही हूँ। जो प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे हैं वही मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड यस, सारे लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिएगा। एंड या मेक श्योर कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल रहे आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी, तो प्लीज लाइक का बटन जरूर से प्रेस कर दीजिए। एंड यस, मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइस। सो या विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगी, मतलब जैसे ही मेरे हाथ में आएंगे इसमें वैसे बता दूंगी, पर्टिकुलर हम एक फॉर्म में नहीं जाएंगे स्किन केयर की। सो यस, फर्स्ट जो है दैट वन इज अ फेस वॉश जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है, दैट इज सेटाफिल डेली एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर। सो इसके अंदर ना छोटे छोटे से पार्टिकल्स आते हैं, लाइक बहुत छोटे से, तो ये क्या करते हैं आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट कर देते हैं। तो ब्लैक हेयर्स, व्हाइट हेयर्स या जो भी आपके पोर्स के अंदर गंदगी जमा हुई है उसको भी ये बहुत अच्छे से क्लियर करता है। एंड यस, इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप, लाइक ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ना आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है और एक हाइड्रेटिंग लुक देता है, लाइक बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करता है स्किन को। सो यस, दिस इज माई होली ग्रेल प्रोडक्ट, मैं काफी टाइम से इसको यूज कर रही हूँ। एंड उसके बाद है एक क्लेंजर, दैट वन इज अगेन फ्रॉम ब्रांड सेटाफिल और ये है मॉइस्चराइजिंग क्रीम ड्राई टू नॉर्मल स्किन, बट एंड ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, लाइक सेंसिटिव जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है वो भी यूज कर सकते हैं। सो इसको मैं जनरली तब यूज करती हूँ जब मेरे को मेकअप करना होता है शूटिंग के लिए या कहीं बाहर जा रहे हो, थोड़ा सा हैवी मेकअप आप कर रहे हो तो आपका मेकअप लाइक क्रेक ना हो, ड्यू फिनिश लुक लगे, तो तब मैं इसको यूज करती हूँ। और काफी अच्छा है, लाइक थोड़ा सा इसका जो फॉर्मूला है ना थिक है, बट एक टाइम के बाद ना ये बहुत अच्छे से स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है। इनफैक्ट ये बिल्कुल भी आपको ना चिपचिपापन या इस तरह का लुक नहीं देता है, काफी हाइड्रेटिंग लगती है आपकी स्किन, लुक एट दिस। सो एंड ऑयली स्किन है तो विंटर्स में आप यूज कर सकते हो, बट यस, समर्स में इसको गलती से भी यूज मत करना, क्योंकि ये समर्स में ना थोड़ा सा और ज्यादा ऑयली लुक देगा आपके फेस को। सो या, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस, दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड डर्माको एंड दिस वन इज 2% सैलिसिलिक एसिड क्ले फेस मास्क। दिस इज लिटरली गुड फॉर ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन। वी ऑल नो कि सैलिसिलिक एसिड बेसिकली आपके जो एक्टिव एक्ने हैं उनको कम करता है, आपके पोर्स की गंदगी को क्लियर करता है, इनफैक्ट आपके जो एक्ने स्कार्स भी रह गए हैं उनको भी फाइट करता है। सो यू कैन सी, लाइक मेरे पास आई डोंट थिंक सो कि इसमें प्रोडक्ट बचा है कि मैं इसकी कंसिस्टेंसी वगैरह आपको दिखा दूं, मतलब इसको ना मैंने निचोड़ के पूरा यूज कर लिया है। सो ये भी बहुत अच्छा क्ले मास्क है, बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है। इसको ना आप एज ए एक्टिव एक्ने ट्रीटमेंट की तरह भी यूज कर सकते हो, लाइक रात में जब आपको लगे कि एक्टिव एक्ने है आपको, तो वहां पे ना आप इस तरह से स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह लगा लीजिए। मॉर्निंग में लिटरली वो कम हो जाता है, लाइक बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है, बट 3 दिन यूज करते करते ना वो एकदम से गायब हो जाता है। तो मैंने इसको एज ए क्ले मास्क भी यूज किया है और एज ए एक्ने ट्रीटमेंट की तरह भी यूज किया है। सो हालत आप देख सकते हो, काफी अच्छा प्रोडक्ट मुझे ये लगा। यस, ये रिसेंटली भी मैंने ट्राई किया था, इसको मैं रीपर्चेज अभी करने वाली हूँ। एंड यस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट वन इज अ सनस्क्रीन एंड यह है एक्वालॉजिका ग्लो प्लस ड्यूई सनस्क्रीन। इसके बारे में यार किसने नहीं सुना होगा, लिटरली मतलब मस्त प्रोडक्ट बनाया एक्वालॉजिका ने। बहुत ही लाइट इसका फॉर्मूला है और एक प्यारी सी ना ड्यूई फिनिश देता है। यू कैन सी कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी सी थिक लगेगी, बट जब आप इसको इस तरह से मेल्ट करोगे सी, एक बहुत प्यारी सी ग्लोई लुक आपको भी प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट बिल्कुल भी चिपचिपा पर नहीं है, आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अप्लाई नहीं किया और यहाँ पे लगाया है, कितना प्यारा सा एक ड्यूई फिनिश लुक आया है। सो इसके अंदर SPF 50 प्लस है और PA++ फॉर्मूला है, दैट मीन्स कि 5 से 6 घंटे अगर आपने इसको लगा लिया ना तो आपको अलग से रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस 6 घंटे के बाद आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा इसको फिर से। सो बहुत ज्यादा प्राइसी भी नहीं है, मतलब एक्वालॉजिका की मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि इनके जो प्रोडक्ट्स है ना वो मिड रेंज में है, बहुत हाईफाई नहीं है कि हर एक अफोर्ड नहीं कर पाए। सो एक बार जरूर से ट्राई आउट कीजिएगा, दिस इज माय सेकंड बॉटल, मुझे इतना अच्छा लगा। ये ऑयली स्किन है मेरी, फिर भी ये बहुत अच्छे से एक ड्यूई लुक प्रोवाइड करता है, इनफैक्ट फेस पे ऑयली या ग्रीजीनेस नहीं आती है और ये व्हाइट कास्ट तो यार बिल्कुल नहीं छोड़ता, मतलब जो सनस्क्रीन की प्रॉब्लम होती है ना कि व्हाइट कास्ट छोड़ेगा, वैसा इसके साथ नहीं है। सो या, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट वन इज डॉक्टर शेड सेरामाइड एंड विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। इसके अंदर ना 5 से 6 तरह के सेरामाइड्स है जो बेसिकली आपके स्किन बैरियर को रिपेयर करते हैं, स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं है उसको इम्प्रूव करते हैं, और इसके अंदर विटामिन सी भी है। तो विटामिन सी वी ऑल नो कि यार ब्राइटनिंग का काम करता है, इवन स्किन प्रोवाइड करता है, एक्ने स्कार्स पिगमेंटेशन को दूर करता है। तो इसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मेरे
चैनल पे मिल जाएगा, चेकआउट कीजिएगा, डिटेल में मैंने बताया है। फैक्ट ना मैं इसको भी विंटर्स में भी यूज कर रही हूँ, तो विंटर्स में भी आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं छोड़ता है। तो सेरेमाइड्स की सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपकी स्किन को ना बहुत अच्छे से वो हाइड्रेट करते हैं। सो यस, अगर ऑयली स्किन है आपकी, थक चुके हो कि कौन सा मॉइस्चराइजर अच्छा रहेगा जो लिटरली स्किन को रिपेयर भी करे और अच्छे से नरिश भी करे, तो यू कैन गो फॉर दिस डॉक्टर शेख, लिटरली बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस, दैट वन इज माय फेवरेट विटामिन सी सीरम। बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है मुझे कि दी कोई अच्छा सा विटामिन सी सीरम हमको रिकमेंड कीजिए। मैंने अपनी लाइफ में आई थिंक अभी तक 12 से 15 विटामिन सी सीरम यूज कर लिए हैं, और उनमें से जो मुझे बेस्ट लगा है दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड डर्माको। किसी भी तरह का कोई स्पॉन्सर नहीं है गाइज, लाइक डर्माको से मेरा कभी कोई स्पॉन्सरशिप रही नहीं है, सारे प्रोडक्ट्स मैं खुद से ही बाय करती हूँ। बट लिटरली मैं हर एक को जो भी मुझे कॉमेंट आते हैं ना, उनको भी पर्सनली यही बोलती हूँ कि डर्माको का यूज कीजिए। यस, अगर आप बिगिनर हो, अभी तक कोई भी विटामिन सी यूज नहीं किया है, तो 10% से शुरू करो। एंड यस, अगर आप विटामिन सी यूज टू है आपकी स्किन, तो फिर आप 20% से स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज माय होली ग्रेल प्रोडक्ट। इसका तो आई थिंक मैंने 5 से 6 बॉटल खत्म कर दी है। एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइज, दैट वन इज, इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, आई थिंक आप सब जानते होंगे, थोड़ा सा कॉस्टली प्रोडक्ट है ये, बट मैं आपको बताऊँ ना, इतना सही ये रिजल्ट देता है। मैंने ये मेरी सेकंड बॉटल है जिसको कि मैंने खत्म कर दिया है, अभी मैं फिर से रीपर्चेस करने वाली हूँ। बहुत अच्छे से ये नरिश करता है स्किन को। आप जब इसको नाइट में लगा के सोओगे ना, सुबह उठ के आपकी स्किन पे आपको तुरंत, मतलब 2 से 3 दिन में इसका रिजल्ट मिलता है। यू कैन इमेजिन, मेरे ब्रदर ने 3 दिन यूज किया था, उसने बोला यार ये प्रोडक्ट मुझे दे दे, मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब उसको इतना अच्छा लगा। यू कैन इमेजिन कि बॉयज की स्किन पे ये 3 से 4 दिन में रिजल्ट देगा, तो गर्ल्स की स्किन थोड़ी सी ना सेंसिटिव होती है, सॉफ्ट होती है, तो उन पे बहुत क्विकली रिजल्ट देता है। सो आप ट्राई आउट जरूर से कीजिएगा, एक बार नहीं किया है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट वन इज अगेन ए फेस वॉश, एंड ये है सुगंधा सेंटेलिका ग्रीन टी फेस वॉश। आई लव दिस फेस वॉश, यू कैन सी, मतलब बॉटल की हालत देखो, खत्म किया है मैंने पूरा प्रोडक्ट और बहुत अच्छा है। सेंटेलिका है इसमें, ग्रीन टी है जो कि आपकी स्किन को काम रखेगा, ग्रीन टी आपके एक्टिव एक्ने पे वर्क करेगा। सो बेसिकली ना, क्लियर तो करता ही है स्किन को, बट बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। मोर ओवर क्वांटिटी इसकी ना आपको बहुत कम लेनी होती है, बहुत अच्छे से लेदर क्रिएट करता है और क्लियर करता है। मतलब एट द एंड फेस वॉश का काम क्या होता है, आपकी स्किन को क्लियर करना, डर्ट को हटाना, इम्प्योरिटीज़ को हटाना, ब्लैकहेड्स वाइटहेड्स को आपकी स्किन से क्लियर करना, वो लिटरली ये काम करता है। सो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट वन इज अ डॉट एंड की सीका कामिंग नियासिनमाइड सनस्क्रीन। इसका फॉर्मूला मैं अगर आपको दिखाऊं, तो ये ना थोड़ा सा आपको दिखने में अभी थिक लगेगा, से दिस, और जब आप इसको स्प्रेड आउट करेंगे, बस इसकी एक ही प्रॉब्लम की ना, थोड़ा सा व्हाइट कास्ट छोड़ता है, बट जैसे जैसे आप इसको इस तरह से रब करोगे, तो यू कैन सी, अभी नहीं है ना व्हाइट कास्ट, पहले स्टार्टिंग में लगी थी। तो ये ना स्किन को हाइड्रेट करता है, एंड इसका जो हीरो इंग्रेडिएंट है दैट इज सीका सेंटेलिका एसिडिका, तो वो ही काम करता है, आपकी स्किन को काम रखता है, सूट रखता है, जो भी आपको लाइक स्किन रिपेयरिंग का काम है वो करता है। एंड इसके बाद इसके अंदर नियासिनमाइड है जो कि आपको इवन स्किन प्रोवाइड करता है, डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन को कम करता है। ओवरऑल सनस्क्रीन में अगर मैं बताऊं, रिसेंटली मैं 2 ही यूज कर रही हूं और दोनों मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे। थोड़ा सा ये ड्यूई लुक देता है, एंड ये थोड़ा सा लाइक ड्यूई तो नहीं देता है, बट एक फिनिश लुक देता है आपकी स्किन को। सो या, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस, दैट वन इज ए मॉइस्चराइजर। अगेन ये है सिंपल का हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइजर, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरी 3rd बॉटल है। एंड यस, इसके अंदर आर्टिफिशियल परफ्यूम नहीं है, कलर नहीं है, केमिकल्स नहीं है, एल्कोहल नहीं है, कोई भी एनिमल डिराइव्ड इसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है, काफी ज्यादा काइंड है। आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, आप टीनेजर्स हो, आपको एकदम लाइक होता ना कि ज्यादा हार्मफुल केमिकल वाला प्रोडक्ट नहीं लगाना है, सॉफ्ट बेबी स्किन है, तो आप ये जरूर से ट्राई आउट कर सकते हो। बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। मॉइस्चराइजर के अंदर बताऊं तो ये सबसे ज्यादा मैंने यूज किया है 2022 में। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड ऑर्डिनरी, और ये आप देखो इसकी कंडीशन से आप देख सकते हो, आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहां तक ही बचा है। ये है ऑर्डिनरी का नया सिनेमाइड सीरम, बेस्ट 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 नया सिनेमाइड सीरम है। 8 से 10 दिन में ही आपके एक्ने स्कार्स पिगमेंटेशन, मतलब जो रिसेंटली हुए हैं, उसको फेड आउट करता है। और नया सिनेमाइड इसमें 10% है एंड जिंक इसके अंदर 1% है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करता है। नया सिनेमाइड के साथ अगर जिंक होना, तो वो जो आपके एक्ने स्कार्स है, पिगमेंटेशन है या डार्क स्पॉट्स है, उनको बहुत जल्दी से फेड आउट करता है। और लिटरली मतलब मुझे 10 दिन में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। जब भी मुझे ऐसा लगता है ना यार मेरे एक्ने हो गए, अब ये स्कार्स छोड़ के गए हैं, तो फिर उसके बाद में मैं इसको यूज करना स्टार्ट करती हूँ। 8 से 10 दिन में स्किन एकदम क्लियर हो जाती है, मतलब जहाँ पे एक्ने हुए ना उनके स्कार्स गायब हो जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो यस, मेरी बास्केट हो चुकी है एम्प्टी। सो ये थे मेरे कुछ
10 to 12 प्रोडक्ट्स हो गए हैं जो लिटरली बहुत अच्छा वर्क करते हैं। आप एक बार इनमें से कोई भी अगर आपको थोड़ा सा भी इंप्रेसिव लगा है, अच्छा लगा है, तो डेडिकेटेड वीडियो आप जाके देखिए मेरे चैनल पे। आप उसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम और नीलम सारडा डाल दीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर मतलब ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स पे आपको मिल ही जाएंगे। सो या इसके अलावा भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगी। बट यस, काफी अच्छे प्रोडक्ट्स, एक बार ट्राई आउट करोगे तो आपको पता चलेगा। लाइक मॉइस्चराइजर चाहिए तो आप ये ट्राई कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी। अगर आपको सनस्क्रीन चाहिए तो इन दोनों में से ट्राई कर सकते हो। अगर आपको फेस वॉश चाहिए तो इन दोनों में से ट्राई कर सकते हो। विटामिन सी, दिस इज द बेस्ट विटामिन सी। एंड यस, क्ले मास्क में आप डमाको का ट्राई कर सकते हो। फोर्स नहीं है कि आप इनको परचेज करो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो ही इनमें से कोई प्रोडक्ट आप लीजिएगा। सो यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, अमेजोन के सारे लिंक्स हैं और अमेजोन पे अभी सेल भी स्टार्ट हो रही है तो आपको ये और भी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। सो यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।